नमस्कार मित्रों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जैसा कि आज मैटर लखनऊ बेंच में लगा हुआ था 6800 और डबल आरक्षण से संबंधित, मैंने कल की आडियो में आप लोग देखे होंगे हमने कहा भी था कि सभी पक्ष मिलकर या तो कहें कि जो है इसको डे बाई डे सुने या तो फिर इसको जो है कहें कि जो है कोई अन्य बेंच नॉमिनेट हो, क्योंकि जस्टिस विवेक चौधरी की जो बेंच है उसमें उस जुडिक्शन में बहुत केस आ रहे हैं और जैसा कि मैंने पहले भी जो चीज़ अनुमान लगाया था वो सही हुआ और आज सेम वही हुआ। सारे जो अधिवक्ता थे उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि जो है कि सर हमारे लिए बेंच नॉमिनेट कर दीजिए, क्योंकि इसके पहले जो है जस्टिस राजन राय की बेंच नॉमिनेट हुई थी, बाद में फिर जस्टिस विवेक चौधरी की बेंच में चला गया था। तो अभी देखिए नई बेंच नॉमिनेट होगी और डेट जो है बाद में पता चलेगी। अभी शॉर्ट आर्डर जो आया है उसमें लिखा है फिक्स ए टाइम पीरियड, यानी कि उसमें कुछ समय बाद जो है उसमें डेट फिक्स है। अब उसमें एक हफ्ते भी हो सकता है, दो हफ्ते भी हो सकता है, जो भी हो। तो कुल मिला जुला के हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो भी अनुमान था कल जो है और जो हमने एक तरह से सलाह दिया था सारे पैरवीकारों को, निश्चित रूप से वो चीज़ हुआ आज कोर्ट में। और वो चीज़ जो है इससे कहीं ना कहीं, मैंने कहा था कि चीफ जस्टिस को ये पावर है कि वो किसी भी बेंच में नया बेंच नॉमिनेट कर सकती है या फिर कुछ भी आदेश कर सकती है, और आज ऐसा हुआ ही। अब देखते हैं आर्डर क्या आता है, लेकिन बेंच का नॉमिनेशन का जो है आर्डर में आएगा कि नहीं आएगा ये कोई वो नहीं है, लेकिन जो है नॉमिनेशन का काम जो है एक प्रशासनिक काम है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि आर्डर में आए, लेकिन जो है ये डेट जो है इसकी आर्डर आने के बाद ही पता चलेगा। चूँकि आज मैं लखनऊ नहीं गया था, चूँकि इलाहाबाद में हमारे मामले लगे हुए थे और उसमें बहुत ज़रूरी था रहना हमारा, इस वजह से जो है मैं इलाहाबाद में था, लेकिन वहाँ जो हमारी तरफ से जो है इंद्रमणि पांडे जी खड़े थे, IM पांडे जी, उन्होंने जो सूचना दी हमें वो चीज़ हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल तो दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि जो है जब भी नई बेंच बने, ज़्यादा संभावना है, चूँकि देखिए सीनियर जज वहां विवेक चौधरी, राजन राय और जो है ये जस्टिस मसूदी, ये लोग हैं, लेकिन जस्टिस मसूदी के साथ ओम प्रकाश शुक्ला सर बैठ रहे हैं तो इस वजह से उसमें नहीं जाएगा। तो जस्टिस राजन राय की बेंच फिर से एक बार जो है नॉमिनेट हो सकती है, या फिर कोई अन्य बेंच नॉमिनेट, राजेश सिंह चौहान भी जो है की बेंच भी हो सकती है। राजेश सिंह चौहान कभी कभी सिंगल में बैठते हैं तो कभी DB में बैठते हैं, यानी ये चार जज ही जो है सीनियर जज हैं और उन्हीं की बेंच नॉमिनेट हो सकती है। तो फिलहाल तो दोस्तों आगे जो सूचना होगी मैं आपको देता रहूँगा। मेरे द्वारा जो भी कहा गया, जो भी जो है ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आपको सूचना दी गई, आप देखते होंगे कि मैं जो भी अनुमान लगाया डेट के पहले वो डेट वो सही साबित हुआ है। आज फिर से एक बार वही चीज़ सही साबित हुआ है और आज मैं नई दिल्ली के लिए भी निकलूँगा, आज मेरा टिकट भी है, चूँकि जो है पहले से ही ये था जो है सुप्रीम कोर्ट में भी मेरा एक मैटर लगा हुआ है 12091 से जुड़ा हुआ, जो 72825 की भर्ती में जो है 12091 की लिस्ट बनी थी 54,000 भर्ती के बाद, उसमें कुछ लोगों का हो गया था, कुछ लोग छूट गए थे, तो उस पर जो है 26 तारीख, हालांकि 22 तारीख लगा था, बाद में जो है काज लिस्ट में 26 आ गया है, लेकिन जो है हमारा पहले से ही टिकट था, तो हम जो है 22 तारीख को पहुंचेंगे वहां। और जो है जो EWS की याचिका है उस पर डायरेक्शन के संबंध में भी वहां वकीलों से बातचीत होगी, जो 69,000 में EWS की याचिका है, जो 3 साल से 2020 से काउंटर रिजॉइंडर हो चुका है लेकिन अभी फाइनल नहीं हो पा रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, चूँकि 160 जजों के सापेक्ष मात्र 93 जज हैं और इस वजह से लिस्ट के जो पुराने मुकदमे वो सुने नहीं जा पा रहे हैं। बहुत प्रयास किया गया, 20 से अधिक लिस्टिंग एप्लीकेशन डाला गया, लेकिन जो है डेट बराबर लग रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। अंतिम में हमारे पास यही चारा है कि EWS पर एक डायरेक्शन लाया जाए और डायरेक्शन के लिए हम लोग जो है तत्पर हैं और प्रयास करेंगे, उसके संबंध में दिल्ली जाना है। इसके अलावा जो है दिल्ली जाकर हम लोग जो है एक तो जो है NCTE के ऑफिस में जो सचिव स्तर के लोग हैं या फिर NCTE के अगर अध्यक्ष ही मिल जाएंगे, चेयरपर्सन ही मिल जाएंगे, चेयरमैन जो भी हैं योगेश सिंह जी, तो उनसे भी वार्ता होगी, और यदि नहीं मिलते हैं तो वहाँ जो अधिकारी सचिव स्तर के होंगे वो उनसे वार्ता होगी हमारी कि BEd के भविष्य को लेकर आखिर NCTE क्या सोच रहा है। अभी तक उनका जो है कोई भी स्टैंड नहीं आया है,
तो मित्रों इस पर जो है एक क्लियर करना, यानी 4 दिन 5 दिन का हमारा टूर दिल्ली में है, एक सार्थक परिणाम के लिए हम लोग जा रहे हैं अलग अलग केस से संबंधित। और 3 मामले हैं जो कि जिसके लिए हम जो है जा रहे हैं, और तीनों मामले आपको मैंने बता दिया है। इस बीच जो है आपको बताना चाहता हूँ कि 69,000 के एक अभ्यर्थी ने जो है मुख्यमंत्री पोर्टल पर ब्रिज कोर्स के लिए जो है वो किया था कि ब्रिज कोर्स कराने के लिए जो है उन्होंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर एक मांग की थी, जिस पर जो है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल ने एक लेटर जारी किया है, और उसमें जो है उन्होंने ये दिया है कि महेंद्रपाल एंड अदर्स की याचिका जो पेंडिंग है वो, इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट का भी जिक्र कर दिया है जिसमें कि उन्होंने दिल्ली जो राजस्थान का मैटर है देवेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया जो है उस पर उन्होंने जिक्र कर दिया, जिससे बहुत से बच्चे जो है परेशान हैं। लेकिन देखिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग परेशान मत होइए, जो लोग नौकरी कर रहे हैं या फिर जो नोटिफिकेशन के पहले हैं, नोटिफिकेशन रद्द होने गजट रद्द होने के पहले के जो लोग हैं उनका कोई भी अहित मेरे ख्याल से नहीं होगा। और फिलहाल आगे आने वाले समय यद्यपि जो है BTC वाले तमाम राज्यों में इसको चैलेंज कर रहे हैं, परेशान तो ज़रूर करेंगे सबको, लेकिन आप लोग सतर्कता के साथ इसको लड़िए और निश्चित रूप से उन लोगों को रिलीफ मिलेगा। और जो ब्रिज कोर्स वाले विषय पे जो अभी लेटर जारी हुआ मैं इसमें डालता हूँ आपको जो है वो उसका वो कॉपी जो है आप देखिए, उसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर का जिक्र कर दिया है 11 अगस्त के, इससे बहुत से बच्चे परेशान हो गए हैं। तो इस पर परेशानी की बात नहीं है, वो जो है कहीं ना कहीं ब्रिज कोर्स नहीं कराना चाहते होंगे या फिर क्या कराना चाहते हैं उनके माइंड में ये सब नहीं होगा, तो इसलिए जो है वो अभी फ़िलहाल तो इस तरह की रिपोर्ट लगाएंगे जो है मुख्यमंत्री के पास, जो भी शिकायत जाएगी उस पर जो है ये अपना ये लगाएंगे। लेकिन मेरे ख्याल से जो लखनऊ बेंच ने जो है एक आदेश किया था ब्रिज कोर्स पे पहले कि अगर समय जो है इनको जो है ब्रिज कोर्स नहीं कराया गया तो निश्चित रूप से जो है इन याचिकाकर्ताओं का कोई अहित नहीं होगा। वो ऑर्डर जो है जस्टिस राजन राय की बेंच से हुआ था, तो वो ऑर्डर जो है प्राप्त कर सकते हैं आप लोग जिनको ये डर हो कि जो है इस तरह का जो है हो सकता है, वो ऑर्डर जो है लखनऊ बेंच वाला वो आप उसी के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग उस ऑर्डर को जो भी लोग हैं वो प्राप्त करें, क्योंकि देखिए ऑर्डर आप प्राप्त हो जाएंगे तो 90 दिन के अंदर या तो सरकार DB में जाएगी उसको रद्द कराने के लिए, यदि नहीं जाती है तो निश्चित रूप से जो है आप पे वो ऑर्डर माना जाएगा, यानी ब्रिज कोर्स के कारण आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए हम सभी जो चयनित तो लोग हैं, इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है कि आप जो है मतलब बहुत ज़्यादा खर्च है, संगठित होकर 10-20-50 लोग जो है ऐसे ऐसे करके जो है आप याचिका ले डाल के जो है अपनी वो ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं जो जस्टिस राजन राय का पहले का ऑर्डर है वही दिखा के। तो दोस्तों वो ऑर्डर प्राप्त करके रखे रहिए, 90 दिन के अंदर यदि सरकार ने जो चैलेंज किया तो ठीक है, नहीं किया तो मतलब फिर आप पे वो मतलब लागू रहेगा, यानी आपका कोई ब्रिज कोर्स के कारण अहित नहीं होगा और सरकार चैलेंज नहीं करेगी। और उसमें सरकार और पार्टी, सरकार और आप दो ही लोग पार्टी रहोगे, इसमें तीसरा कोई पार्टी नहीं रहेगा। इस वजह से जो है आप लोग उस पे फोकस करो और ऑर्डर प्राप्त करके रखो, मेरा ये मानना है। बाकी देखिए अगर नहीं प्राप्त करेंगे तो आगे चल के रिलीफ मिली, जैसे क्लेरिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट गया है देवेश शर्मा का, जो क्लेरिफिकेशन में अगर उसने जो है ये कह दिया कि हाँ, क्लेरिफिकेशन में दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को सही कहा है, तो राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को सही कहा है तो राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये लिखा था कि जो है BEd को राजस्थान में शामिल न करके, मतलब राजस्थान सरकार ने गलती किया था और राजस्थान सरकार ने यदि BEd को नहीं शामिल किया तो ये गलत था। जब तक नोटिफिकेशन जिंदा था, गजट जिंदा था, तब तक BEd को शामिल करना उस बाध्यकारी था, अगर नहीं शामिल किया तो ये गलत था। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट मान रही है कि जो है NCT का जो रूल होता है वो पूरे भारत पर जो है लागू होता है, और पूरे भारत पर लागू होता है, और राजस्थान सरकार ने नहीं शामिल करके BEd को कहीं ना कहीं गलत किया था। इसका मतलब है 21/11/2021 को जो ऑर्डर आया था हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट का, अगर वहाँ तक
जो मतलब के लोग या तो सुप्रीम कोर्ट सही मानेगी या तो फिर अपना आदेश जो जहाँ तक 11 अगस्त 2023 तक मानेगी, ये सब क्लियरिफिकेशन में आएगा। चूंकि अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एक तरह मौन है तो इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि वो आदेश कब से लागू होगा। लेकिन जो है हाई कोर्ट का जो आदेश था उसमें ये था कि जो गजट हुआ था जब तक हाई कोर्ट नहीं रद्द की थी तब तक बीएड को न शामिल करना ये राजस्थान सरकार की गलती थी, क्योंकि एनसीटीई का जो भी रूल होता है समस्त राज्यों पर लागू होता है। तो इसका मतलब है कि 21/11/2021 को जब जजमेंट आया था राजस्थान हाई कोर्ट का तब तक जो भी नोटिफिकेशन आए थे वो जिंदा रहेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट 11 अगस्त 2023 तक के जो भी नोटिफिकेशन पहले आ चुके थे वो जिंदा रहेंगे। तो एक तो पहली बात तो एक तमाम सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, जब तक कोई भी नियम कोई भी नोटिफिकेशन जब तक जिंदा रहता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द नहीं करती है तब तक उसको मतलब राइट माना जाता है। अब यहाँ पे बात यही आएगी, क्या हाई कोर्ट के जजमेंट से वो सही माना जाएगा नोटिफिकेशन, मतलब नोटिफिकेशन से पहले जो भर्ती हो चुकी वो सही है मतलब रद्द नहीं होंगे, या उस नोटिफिकेशन तक जो भी लोग आगे आने वाले समय में भर्ती होंगे वो सही रहेंगे, या सुप्रीम कोर्ट के आदेश से के पहले तक जो है जो भी लोग हैं जो भी आज मतलब विज्ञापन हो चुके हैं वो उस पर मतलब रिलीफ देगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन में तय होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग निश्चिंत रहिए, आगे जो सूचना रहेगी हम आपको देते रहेंगे। और आज एक और मामला था हमारा जो है फीस वापसी, जो 72825 शिक्षक भर्ती में नए विज्ञापन पर जो अखिलेश सरकार ने हर जिले से 500 रुपये लिया था, तो बच्चों का जो है किसी का 35,000 किसी का 30,000 ऐसे ऐसे जो है पैसा जमा था, और 11-12 साल से चूंकि भर्ती नहीं हुई नए विज्ञापन पर, हालांकि जो है पुराना विज्ञापन जो मायावती सरकार का था टेट मेरिट का उस पर भर्ती हो गई थी, और उसको जो है नए विज्ञापन को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था 15वां संशोधन, लेकिन जो है उन्होंने लिबर्टी दी थी स्वतंत्रता दी थी राज्य सरकार को कि राज्य सरकार चाहे तो नया विज्ञापन भी कर सकती है। उन्होंने जो टेट मेरिट को गलत माना था, चूँकि 12वां संशोधन उन्होंने कहा कि टेट मेरिट जो है बनाना ये सही नहीं था, चूँकि जो है टेट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, आप उसके बाद जो है कोई प्रोसेस करके नया परीक्षा लेके या फिर एकेडमिक भर्ती करके करते तो वो मतलब सही था। तो उन्होंने जो 15वां संशोधन वाली भर्ती थी उसको सही माना था, और 12वां संशोधन वाली जो टेट मेरिट वाली भर्ती को गलत माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से वो हो चुका था इसलिए उन्होंने उसको प्रोटेक्ट किया था, और नए विज्ञापन जो अखिलेश का विज्ञापन था उसको उस पर सरकार को लिबर्टी दी थी कि सरकार जो है चाहे तो ये विज्ञापन भी कर सकती है, ये गलत नहीं। तो कुछ लोग जो 72825 के नए विज्ञापन के चाहने वाले लोग हैं उन्होंने जो है उनको आशा थी कि जो है नया विज्ञापन भी होगा, लेकिन जो है जब सरकार योगी जी की आई तो योगी जी एकेडमिक भर्ती के सीधे खिलाफ थे इसलिए उन्होंने जो है इस पर किया ही नहीं कुछ, क्योंकि जो है नया विज्ञापन जो था वो अखिलेश सरकार का विज्ञापन था, और 72825 की एक और भर्ती देना योगी जी जो है सही नहीं समझते थे, वो चाहते थे कि जो है सबको ओपन कंपटीशन के जरिए जो है लिया जाए, और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर लिबर्टी दिया था तो उस पर कंटेम्प्ट भी कोई नहीं बन सकता था, उसने राज्य सरकार को छूट दिया था, सरकार चाहे तो कर सकती है मतलब करे एकदम अवश्य करे ये नहीं, उसने जो है आदेश नहीं किया था लिबर्टी किया था, तो उस पर कंटेंट भी नहीं बनता। तो कुछ लोग जो है सिंगल बेंच में यहाँ इलाहाबाद में नए विज्ञापन पे किए हैं कि हमको भर्ती करिए, लेकिन जो है 12 साल हो गए तो हमने भी याचिका डाली थी फीस वापसी का, चूंकि हमारा भी लगभग 25,000 26,000 इसमें मतलब इन्वेस्ट हुआ था, मैं पैसा वापस लेना चाहता था, मेरे भाई का भी 30,000 था, 55,000 मेरे घर का जो है पैसा फंसा हुआ था, तो मैंने याचिका किया, तो याचिका पे जो है आदेश हुआ, तो आदेश के बाद जो है इस पर तमाम रिटें पड़ने लगी। जो फीस वापसी का रिट है उस पर जो है सिर्फ याचिकाकर्ताओं को रिलीफ मिला है कि जो लोग मतलब हाई कोर्ट जा रहे हैं उनको जो है 10 दिन के अंदर सरकार जो है जो फीस वापसी का वो है पैसा है उसको दे। तो उस पर जो है आज डीबी में जो है कुछ लोग चैलेंज किए थे, तो उसको चैलेंज किए थे तो आज डीबी ने जो है वो याचिका उनकी खारिज कर दी जो फीस वापसी की आदेश को चैलेंज किए थे। डीबी ने जो है मनोज गुप्ता के डिवीजन बेंच ने ये कहा कि जो है यदि जो है भर्ती नहीं हुई तो अभ्यर्थी यदि पैसा वापस लेना चाहता है तो उसमें बुरा क्या है, यदि अब जो है उनकी तरफ से अशोक खरे जी थे बहुत बहस किए 15-20 मिनट, उन्होंने जो है मतलब पिटिशनर का
कहा कि ये लोग मतलब वहाँ पार्टी नहीं थी फीस वापसी वाले में, लेकिन जो है जज ने नहीं सुना। उन्होंने कहा कि आप 2011 का विज्ञापन जिसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रोटेक्ट किया है आप उसको मतलब चैलेंज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये गलत है, और उन्होंने याचिका जो है खारिज कर दी। तो इस पर मैं भी था, चूँकि हमारी तमाम याचिकाएँ इसमें हो रही हैं फीस वापसी के लिए। तो मित्रों, जो सूचना होगी मैं आगे देता रहूँगा। ऑडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, और मेरे ग्रुप से जुड़ने के लिए आप जो है, हमारा नंबर है 9161180404, आप हमसे लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है टेलीग्राम ग्रुप या फिर जो है व्हाट्सएप ग्रुप, सब जगह भी आपको डायरेक्ट सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद। मैं एडवोकेट विनय पांडे फ्रॉम इलाहाबाद।